हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। जेंट्स कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए IRF स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 34 साइज 34 साइज SB2 बटन कोट सिंगल ब्रेस्ट दो बटन का कोट कटिंग करना बता रहा हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, आप कटिंग करना ज़रूर सीख जाएंगे। तीन इंच पे मार्क लगाएंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन हम इसमें 2 इंच देंगे, लेकिन मार्क हम 3 इंच पे लगाएंगे, 3 इंच। लेंथ लंबाई 29 इंच है, 29 पे मार्क लगाएंगे। चेस्ट 34 है, सीना 34 है। आर्म होल डाउन करेंगे 9 इंच 9 इंच, 1.5 इंच 1.5 इंच ऊपर मार्क लगाएंगे बैक कटिंग करने के लिए। लेंथ लंबाई का हाफ करेंगे 14.5 और 2 इंच ऐड करके 16.5 इंच पे पेट का सेंटर लगाएंगे, पेट का मार्क। ये सेम मार्क लगाकर मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। एक इंच 1 इंच मार्क लगाकर मार्क स्ट्रेट करेंगे। हाफ इंच पे मार्क लगाएंगे 1/2 इंच, यहाँ 1 इंच 1 इंच और यहाँ भी 1 इंच। नेक कॉलर 14 इंच है, गले का चौड़ाई देंगे 2.5 इंच। यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। किसी किसी पीस में कॉलर में थोड़ा रिंकल आता है, तो इस तरह मार्क लगाने से कॉलर में रिंकल नहीं आएगा। शोल्डर है 16.5 इंच, 16.5 का हाफ 8.25 और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन। शोल्डर डाउन करेंगे यहाँ से 1.5 इंच, 1/2 इंच भी कर सकते हैं। ये 9.25 इंच है, इस मार्क में ये जितना है उतना स्ट्रेट वाले मार्क में रखकर क्रॉस बैक 1 इंच 1 इंच माइनस कर देंगे। 1/2 इंच भी माइनस कर सकते हैं, कम से कम 1 इंच माइनस करना है 34 चेस्ट में। हाफ इंच 1/2 इंच मार्जिन देंगे सिलाई के लिए। स्टमक को 6 से डिवाइड करेंगे और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन देंगे। पेट का 6.5 हिस्सा 5.5 में 1 पॉइंट कम और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन। टोटल 6 इंच रखेंगे, एक सूत ज़्यादा या कम चलेगा। ये जितना है इसमें 0.25 इंच 3/4 ऐड करके यहाँ मार्क लगाएंगे।
पौने दो इंच, साढ़े छः इंच पे मार्क लगाएंगे। आप ये कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। मार्जिन देंगे 2 इंच 2 इंच। यहाँ हाफ इंच आधा इंच पे मार्क लगाकर और स्ट्रेट वाले मार्क में मेजरमेंट करके स्ट्रेट कर लेंगे। दोस्तों, मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सुहाना स्टूडियो। सुहाना स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को ऑल टाइप लेडीज़ ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग सिखाता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सुहाना स्टूडियो यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुहाना स्टूडियो यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चेस्ट सीना का चौथा हिस्सा 8.5 इंच, यहाँ भी 8.5 इंच और यहाँ भी 8.5 इंच। चेस्ट 34 है, 34 में तख्ती माइनस करेंगे 0.25 इंच 3/4। ये जितना है उतना यहाँ मार्क लगाकर मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट वाले मार्क से यहाँ से 0.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। तख्ती 0.25 इंच माइनस करेंगे तो तख्ती से 0.25 इंच पे मार्क लगाना है। वेल्स पॉकेट का मार्क लगाएंगे, 0.25 इंच गैप रखेंगे, 0.25 इंच बीच सेंटर, 0.5 इंच आधा इंच वॉलेट पॉकेट, 1 इंच। पौना इंच 3/4 पे मार्क लगाएंगे, ये लेंथ का मार्क है। यहाँ से जितना लंबाई है उसको 3 से डिवाइड करना है, तीसरा हिस्सा करना है। 0.5 इंच यहाँ से सेकंड काजा का मार्क लगाएंगे 4 इंच पे, 4 इंच। पौना इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे। ये जितना है उतना मेज़रमेंट करके यहाँ मार्क लगाएंगे। 1 इंच अंदर मार्क लगाएंगे। ये 34x34 साइज है तो 0.5 इंच आधा इंच पे डॉट निकालेंगे।
इसका हाफ ऑन हाफ कर लेंगे, एक बीच सेंटर लगा लेंगे। पौना इंच 3/4 अंदर एक मार्क लगाएंगे। इस मार्क को इस मार्क में स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। आधा इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे, 1/2 इंच। शोल्डर डाउन करेंगे फ्रंट में 1.25 इंच। बैक को यहाँ इस मार्क में ऐसे रखेंगे और 2 सूत 1/4 2 पॉइंट कम लगाएंगे। यहाँ हल्का फूलने सा का बैक में, इसलिए 2 सूत कम लगाना है। यहाँ से 1.75 इंच मार्क लगाना है, 34 चेस्ट में, 34 सीना में 1.75 इंच। लेपल का चौड़ाई, लेपल का ब्रॉडनेस हम रखेंगे 2.5 इंच 2.5 इंच। पिक का मार्क लगाएंगे, ठोका का 1.25 इंच का मार्क लगा रहे हैं। मीडियम फिटिंग के लिए 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। इसका जो दोस्तों फार्मूला है लूजिंग का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्लिम फिट टाइट फिटिंग के लिए 3.5 इंच पे मार्क लगाना है, मीडियम फिटिंग के लिए 1.25 से 4 इंच में मार्क लगाना है, और लूज फिटिंग के लिए 4.25 से 4.5 इंच मार्क लगाना है। बस यही इसका फार्मूला है, बहुत इजी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये बहुत ही आसान है। तो मीडियम फिटिंग के लिए हमने लगाया है 1.25 इंच। यहाँ बैक मेज़रमेंट करेंगे और ये जितना है उतना इस तरह से पकड़ लेंगे, इस मार्क में ऐसे रखेंगे। हिप है 35, 35 इंच, 35 का हाफ करेंगे, 35 का आधा करेंगे, 17.5 इंच 17.5। इस स्ट्रेट मार्क से इसको मेज़रमेंट करेंगे, ये जितना है उतना ही यहाँ लगाएंगे। और सेम टू सेम यहाँ भी लगाएंगे, चेस्ट में भी। हिप है 35, 35 इंच, और स्टमक पेट है 32 इंच, 3 इंच, 3 इंच का गैप है। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 इंच का चौथा हिस्सा करेंगे, वो होता है 1/4 इंच 3/4, तो यहाँ 3/4 मार्क लगा देना है। हिप और पेट में जितने इंच का फ़र्क रहेगा उसका चौथा हिस्सा लगा देना। पेट ज़्यादा है और हिप कम है तो फिर उसका अलग फार्मूला है, वो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। यहाँ 4.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, 4.5 इंच।
इसको मेज़रमेंट करेंगे, ये जितना है उतना इस तरह से पकड़ लेंगे, इस मार्क में ऐसे रखेंगे। चेस्ट सीना है 34 34 इंच, 34 का हाफ करेंगे, 34 का आधा करेंगे 17 इंच। इस दोनों मार्क को मेज़रमेंट करेंगे, ये जो गैप है ये है 3/4 इंच, तो यहाँ हम 1 इंच पे मार्क लगाएंगे। यहाँ कम से कम 1 इंच मार्क लगाना है, अगर 1 इंच से ये दोनों मार्क का गैप 1 इंच से कम है तो भी यहाँ हम 1 इंच मार्क लगाना है। यहाँ हिप का मार्क लगाना है, और हिप और पेट में जितने इंच का फ़र्क है उसका चौथा हिस्सा यहाँ माइनस कर देना है पेट में, और यहाँ इस दोनों मार्क का जितना गैप आएगा उतना यहाँ निकाल देना है। 1 इंच से कम आएगा तो 1 इंच निकालना है, उससे कम नहीं निकालना है। पेट डॉट आधा इंच है तो यहाँ भी आधा इंच निकालेंगे, हाफ इंच पे मार्क लगाएंगे। ये यहाँ से हाफ इंच आएगा, और ये जो कटिंग करेंगे यहाँ इस तरह से ऐसे शेप में लाके इसमें ऐसे मिला देंगे। बॉटम में मार्जिन देंगे 2 इंच 2 इंच। बैक को ऐसे मार्क में मार्क मिलाकर रखेंगे और यहाँ मार्क लगा लेंगे। ढाई इंच 2.5 इंच मिनिमम कम से कम लगाना है, और यहाँ 2 इंच 2 इंच। राउंडिंग करने के लिए मार्क लगाएंगे 2.5 इंच पे। लेंथ मेज़रमेंट करके दिखाता हूँ, ऊपर से आधा इंच हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा स्टिचिंग में, हाफ इंच छोड़ के लेंथ लंबाई है 29 29 इंच, ये 29 रेडी आएगा।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका स्लीव बाजू कटिंग करना बताऊँगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।